बोलिए संत समाज की। आ देव ऋषि नारद उधर से आ रहे थे, सुनीति इधर से जा रही थी। जैसे ही रात में नारद जी ने देखा है तो कहा, कौन? महाराज मैं हूं, मनु महाराज मेरे ससुर हैं और उत्तानपाद महाराज की मैं नारी हूं। तो फिर तुम रात में अकेली कैसी घूम रही हो? अवला जाति हो, स्त्री हो तुम, और अकेली बियाबान जंगल में क्यों घूम रही हो? महाराज मेरे कोई संतान पैदा नहीं हुई, इसलिए मैं मरना चाहती हूं। 12 बरस से नाना भात के कष्ट सहन कर रही हूं इसी खातर से। तो तेरे बेटा पैदा नहीं हुआ इसलिए तू मरने आई है? नारद जी बोले, ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, कौन कौन सी चीज किस किस के बस में नहीं है। लिखा है हमारे विद्वानों ने, कहा नहीं अबला कर सके और कहा नहीं समुद्र समाई है, कहा नहीं अग्नि में जरे और किने कालो नहीं खाई है, पुत्र नहीं अबला जन सके जी मन ना समुद समाई है, धर्म न अग्नि में जरे और नाम कालो न खाई है। बेटा तेरे कब्जा से बाहर है, तू पुत्र पैदा नहीं कर सकती, पर मेरी तीन बातों का पालन कर लेना और तेरे बेटा पैदा हो तो तू नारद मत कहना मुझे। मेरा नाम ही नारद क्यों है? मेरा कहा हुआ वचन रद्द नहीं होता, पर मेरी तीन बातें मान लेना और बेटा न हो तो नारद मत कहना मुझे, जा। तो आज देव ऋषि नारद तीन बातें बता रहे हैं सुनीति को रात में। सभी हमारी माता बहने बेटियां जितनी बैठी हो ध्यान से सुनना, नारद जी की वो तीन बातें अगर तुमने 7 दिन की भागवत में मान ली तो 7 दिन की भागवत पूरी है, तीन ही बातें मान ली तो। पर कोशिश करियो, द्वे सरल पर ही एक कठिन पर ही। वो तीन बातें बताई कौन सी है तुम्हारे लिए, सुनो। शाम को भोजन थोरो खाइए, पहली बात शाम को भोजन थोरो खाइए और भर की नींद सोई मत जाइए, बात बताई शाम को भोजन कम खाना और रात को कम सोना। तो सोना तो भोजन के ऊपर डिपेंड करता है, आप प्रैक्टिकल करके देख लो, आज ही अजमा लो। बिना मिर्च की लौकी की सब्जी बनाइयो आज और 4 फुलकियां खाइयो बहुत हल्की, सबे 4 बजे आंख खुल जाए भाई, 4 बजे आंख खुल जाएगी सुबह। और कल उद्दकीदार बना क्यों 12 रोटी खाइयो हाथ वाई, 8 बजे जगा भाई सवेरे 8 बजे। तो सोना खाने के ऊपर डिपेंड करता है जीवन में, एक बात ध्यान रखना मेरी। और खासकर वो बच्चे ध्यान से सुने जो पढ़ते हो, जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। शब्द की पहचान करो, जीवन जीने के लिए भोजन खाना चाहिए, खाए के लेना जीना चाहिए। कछु तो जाई जुगाड़ में रहते हैं। एक महात्मा जी ने बताया आयुर्वेद के हिसाब से कि भोजन कर रहे थे कोई महाशय जी, 16-17 रोटी खाए गए। तो कऊ जानकार ने की, भैया रोटी तुमने तनी खा ले, बीच में पानी पियनो चाहिए, और बीच में पानी ना पियो तो बीमार रह जाओगे। मैंने की बीच में पीनो पत्तो है क्या? हाँ। के तो फिर 16 रोटी और लिया सो बीच में जाओ। अब 16 खाए गए पहले, बीच में पानी पी के और 16 फिर खाए गए सुबह। वैद्य जी बोले कि भैया तुम्हें बीमारी कब होना होनी। जीवन में हमेशा जीने के लिए भोजन करना चाहिए। पहली बात, शाम को कम खाना चाहिए। दूसरी बात, रात को कम सोना चाहिए। और तीसरी बात,
भर के नी रसोई मत जाइए ओ मत काऊ मुखती गाली दइए तीन बात बताई नारद जी ने शाम को भोजन कम खाना रात को कम सोना और अपने मुंह से किसी को गाली मत अब जामे जे द्वे तो सरल पर रही हैं कम खाऊ सकती हैं कम सो सकती हैं और कऊ तरह ने बालकन में लड़ाई है गई आप सही में सो अपे पे बालक गोद में लई और कमरा पे चढ़ी कर राण ते न्यू के मज्जा मुंह के मज्जा गाली देने से जवान अपवित्र होती है खूब मालूम है कि जब बालक फिर मई खेलेंगे कर ले तो नहीं मान आ तीनों मातों का पालन करने के लिए मैया लौट करके चली गई बताया किसी को नहीं सोता बंधु एक दिन महाराज उत्तानपाद विचार करते हैं कि अब शरीर में सामर्थ्य नहीं है जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हैं धनुष बाण लेकर के लौट के आ रहे थे तो अंधेरा हो गया दिन समाप्त हुआ और जब अंधेरा हुआ है तो इधर छोटी रानी जो राजभवन में रहती थी तो रानी राजा का इंतजार कर रही है कि महाराज नहीं आए वो जब राजा नहीं लौटे अंधेरा हो रहा था तो रानी ने दासी को हुक्म दिया है क्या बोलिए अरे दासी सुने बचन हमारे राजा नहीं आएंगे किसी न किसी साधु के आश्रम पर रुक गया फाटक बंद वो इधर महाराज जब लौटे हैं अंधेरा हो गया था तो राजभवन का फाटक तो बंद दिखा है पर अब बुद्धि दूसरी तरफ घूम गई है आज 12 साल बाद विचार करना छोटी रानी के भेते और बड़ी रानी के भवन तक पैर नहीं रखा था महाराज ने एक भी दिन और आज जब फाटक को बंद देखा है तब हुआ क्या अरे राजा लौटे जंगल ते अब रात होन को आई है और 12 बरस मोही बीत गई मिल दुलही मिल समय हतो मिल
सर आज तक घुमाई तो उपकोड़ा है महाराज बालंग दे तो निश्चित है कि फाटक बंद है, फाटक बंद है। दास भवन जो बना था बड़ी रानी जहां रहती थी महाराज उधर को चले, वो जब